कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बम्पर पैदावार के बावजूद किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। 15 से ज्यादा जिलों में किसान सोयाबीन का उचित मूल्य 6000 रुपए प्रति क्विंटल कराने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सिद्दीकगंज के किसानों ने सोयाबीन का भाव 6000 रुपए प्रति क्विंटल कराने की मांग को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि सोयाबीन की फसल में इल्लियां लगने के कारण फसल काफी हद तक खराब हो चुकी है, जिसके मुआवजे के रूप में सोयाबीन के दाम 6000 रुपए प्रति क्विंटल कराने की मांग किसानों ने की है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई, तो वे आगे उग्र आंदोलन करेंगे। अभी किसानों ने मिलकर क्षेत्र के सिद्धिगंज क्षेत्र के आसपास से नारायणपुरा है सभी गांव के किसानों ने आकर यहाँ ज्ञापन किया है कि हमारी सोयाबीन की फसल खराब हो गई है, इसका सर्वे किया जाए और शासन से मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं किसानों को जो भी KCC है, जिनका देन का ऋण है, ये सब माफ किया जाए और राहत राशि जल्दी जल्दी दे, जिससे कि किसान अपने गेहूं चने की तैयारी कर सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।